स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में संधारित्रों को क्या है, दो प्रकार से क्या है, मतलब संयोजित किया जाता है। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में संधारित्रों को क्या है, दो प्रकार से क्या है, संयोजित किया जाता है। फर्स्ट क्या है? श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या है? समांतर संयोजन ऑब्लिक पार्शल संयोजन यानी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन का मतलब क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वह संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, आवेश का मान तो क्या है, एक समान होता है, क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन। ठीक है, और ठीक है, तो श्रेणी संयोजन की दायित्व, श्रेणी संयोजन की दायित्व यानी श्रेणी संयोजन की तुल्य दायित्व, ये चीज हमें क्या है, श्रेणी संयोजन की प्रभावी या कुल दायित्व को तुल्य दायित्व कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लिखनी पड़ेगी। वह संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, विभवांतर का मान समांतर होता है यानी एक समान होता है, तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी क्या है, समांतर संधारित्र। ठीक है, श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता उसमें लिखेंगे, उसमें भी ऐसे लिखेंगे श्रेणी संयोजन की प्रभावी या तुल्य धारिता को सीपी कहते हैं, उसमें इसमें क्या है, सीएस कहते हैं। तो हम कर रहे हैं श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता। तो हम डायग्राम बनाते हैं, देखो ये ए ले लिया पॉइंट, प्लस प्लस आवेश दे दिया, यहां माइनस आवेश दे देंगे, यहाँ से गए वापस, यहाँ से वापस। ठीक है, ये बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी क्या है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, C1 की संधारिता, ये क्या है, C2 की संधारिता, ये क्या है, C3 की संधारिता। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, V1 V2 V3 ये क्या है, Q1 Q2 Q3 ये मतलब क्या है, श्रेणी संयोजन में क्या है, संधारित्र है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, तो हम लिखेंगे C1 और C2 और C3 क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, दायित्व भिन्न भिन्न, और क्या है, V1 V2 प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, भिन्न भिन्न विभवांतर होगा, और Q1 Q3 ये क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, आवेश का परिमाण। यहाँ पे लिखेंगे वेयर, ये चूंकि यहाँ पे क्या है, C1-C2-C3 प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर भिन्न भिन्न धारिता, भिन्न भिन्न धारिता, और V1-V2-V3 प्रत्येक संधारित्र पर भिन्न भिन्न विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, और Q1-Q2-Q3 का मतलब क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, आवेश का परिमाण, वो एक समान है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण। तो यहाँ पे C1, C2, C3 का मतलब पता चल गया, और V1, V2, V3 का मतलब भी क्या है, पता चल गया, और Q1-Q2-Q3 का मतलब पता चल गया। तो आगे करते देखो, तो आगे देखो, आगे हम करेंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो क्या है, समान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आवेश का मान समान है, लेकिन विभवांतर क्या होगा, भिन्न होगा।
अगर सीवन से गए तो पर विभांतर होगा, ठीक है। देखो क्योंकि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान, समान है, लेकिन जो विभांतर होता है वो भिन्न है, विभांतर भिन्न होगा। अंतर सीवन से गातर पर विभांतर होगा, अंतर सीवन संगायतर पर विभांतर होगा, तो क्या होगा? देखो V1 बराबर क्या होता है, क्यों कौन सीवन, ये होगा, ठीक है, आवेश बटे धारिता, ठीक है। इसी प्रकार सीतु संगायतर पर विभांतर होगा, क्योंकि इसी प्रकार लिख देंगे डायरेक्ट, इसी प्रकार तो V2 बराबर क्या हो गया, क्यों कौन सी टू, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार V3 क्यों कौन सी थ्री, ये तो क्या है V1 V2, V3 के कारण विभांतर निकल गया। अब क्या तीनों को ऐड कर लेंगे, तब कुल विभांतर, तब कुल विभांतर कुल विभांतर को बी से नोट करेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने पर क्यू कौन C1, क्यू कौन C3, C2 और क्यू कौन C3। तो क्यू क्या है, सब में सेम है, इसलिए क्यू को क्या है कोमा ले लेंगे, तो B बराबर क्यू 1 अपॉन C1 और 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो B बराबर क्या आ गया, क्यू बराबर अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या है, 4 नंबर इक्वेशन आ गई, तीन नंबर इक्वेशन, ये 4 नंबर इक्वेशन। तो 4 नंबर इक्वेशन निकल के हमारे पास आ गई, माना संयोजन की तुल्य धारिता CF है, तो कुल विभांतर होगा। देखो माना संयोजन की तुल्य धारिता CS है, तो कुल विभांतर, कुल विभांतर होगा। यहां से देखो संयोजन की तुल्य धारिता किस नोट करते हैं, CS से, तो माना संयोजन की तुल्य धारिता CS है, तो कुल विभांतर होगा। तो विभांतर को V से नोट करेंगे, तो V बराबर क्या होता है, Q अपॉन CS। तो ये मान V का मान क्या है, यहां पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 4 में पुट द वैल्यू फ्रॉम V की पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब ये वैल्यू ना इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, V बराबर क्यू अपॉन सी एस, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन सी एस निकालना है, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन सी एस बचा, तो क्या हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये संधारित्र की क्या है, तुल्य धारिता निकल के आ गई, ये संधारित्र की तुल्य धारिता निकल के आ गई। अंत संधारित्र में क्या है, यदि संधारित्र में क्या है दो, इस मतलब ये लिखना है, इस श्रेणी संयोजन में दो संधारित्र लगे हों तो तुल्य धारिता, ये तो क्या है तीन श्रेणी संयोजन में तीन संधारित्र लगे तुल्य धारिता निकल के आई है। अब की बार हम निकालेंगे, यदि श्रेणी संयोजन में दो संधारित्र लगे हो तो तुल्य धारिता, यदि ये इरेज कर देता हूं, देखो यहां पर लिखना है, यदि श्रेणी संयोजन में दो संधारित्र लगे हो तो तुल्य धारिता, मतलब यदि श्रेणी संयोजन में दो संधारित्र लगा दिए तो तुल्य धारिता
हमें निकालनी है, तो निर्धारिता क्या होती है, v अपॉन सी एस। तो v अपॉन सी एस को निर्धारिता है, तो दो संघ आयतन मतलब सी एस हो गए, तो वन अपॉन सी वन फर्स्ट संघ आयतन और सेकेंड क्या सी टू, तो यहाँ से निकल के आ गया सी टू प्लस सी वन, सी वन सी टू, तो वन अपॉन सी एस है, तो यहाँ से सी एस हो गया, तो क्या हो गया सी वन सी टू और सी वन प्लस सी टू। यदि श्रेणी संयोजन में दो संघ आयतन लगे हो तो तुल्यधारिता ये होती है सी एस बराबर सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, दो संघ आयतन लगे हो, अगर तीन संघ आयतन लगे हो तो तुल्यधारिता ये होती है, ठीक है। ये मास श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्यधारिता निकल के आ गई, समझ गए। अब हम निकालेंगे श्रेणी संयोजन या पार्श्व समांतर संयोजन, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है, यही भी करता हूं, देखो मैं संघायित्र का श्रेणी संयोजन यहां पे लिखेंगे समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन। देखो समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन सेकंड है ये, फर्स्ट श्रेणी संयोजन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी वैस संयोजन से प्रत्येक संघायित्र पर आवेश का मान नहीं, यहां पर आएगा वैस संयोजन जिसमें प्रत्येक संघायित्र पर क्या है विभवांतर एक समान होता है, विभवांतर एक समान होता है, क्या कहलाता है समांतर संयोजन। अब ये श्रेणी संयोजन की तुल्यधारिता यहाँ पे क्या लिखाना है, समांतर संयोजन की तुल्यधारिता यहाँ पे लिखिए समांतर संयोजन की तुल्यधारिता, श्रेणी संयोजन की तुल्यधारिता यानी यहाँ पे लिखेंगे समांतर संयोजन प्रभावी या तुल्यधारिता को सीपी कहते हैं, ठीक है। यहां तक सेम है, देखो ये उतारे तो कर देता हूं, सेकंड हम क्या कर रहे हैं, पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, अब कर रहे हैं हम समांतर संयोजन पब्लिक पार्श्व संयोजन, सेकंड नाम इसका है हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, वह संयोजन जिसमें प्रत्येक संघायित्र पर विभवांतर का मान क्या है एक समान होता है, यानी क्या समांतर संयोजन कहलाता है। तो अब समांतर संयोजन के लिए तुल्यधारिता निकालेंगे, तो समांतर संयोजन की प्रभावी या तुल्यधारिता को क्या है तुल्यधारिता सीपी कहते हैं, देखो। अब इसका डायग्राम देखिए, यहाँ आवेश प्लस है या माइनस, प्लस आवेश माइनस आवेश, प्लस आवेश माइनस आवेश, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये C1 संघायित्र है, ये C2 संघायित्र है, ये C3 संघायित्र, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है इसका A और B, ये पॉइंट क्या है इसके A और B, तो ये पॉइंट तो क्या है इसके ए और बी है, यानी इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, ठीक है। क्या बन गया पार्श्व संयोजन या समांतर संयोजन का क्या डायग्राम बन गया। तो जिस प्रकार हमने लिखा था वेयर करके, उसमें वेयर Q1 डैश Q2 डैश Q3 प्रत्येक संघायित्र पर आवेश का परिमाण क्या भिन्न भिन्न है, यहाँ पे Q1
ठीक है। और संगायित्र की धारिता भी क्या होगी, C1 C2 C3 भिन्न भिन्न होगी प्रत्येक संगायित्र पर। लेकिन यहाँ पे क्या है V1 डैश V2 डैश V3 प्रत्येक संगायित्र पर क्या है विभवांतर का मान क्या है, यहाँ पर एक समान होगा। विभवांतर का मान क्या है, एक समान होगा। ये वेयर करके हमने लिख दिया जिस प्रकार उसमें लिखा था ना पहले वाले में, उसी प्रकार यहाँ लिखना है Q1 डैश Q2 डैश Q3 प्रत्येक संगायित्र पर आवेश का परिमाण तो क्या है भिन्न भिन्न होगा और लेकिन विभवांतर क्या है एक समान होगा। समझ में आ गया डायग्राम, ये सब में समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 V1 V2 V3 इसका मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे देखो चूंकि प्रत्येक संगायित्र पर विभवांतर एक समान है, अब की बात श्रेणी में क्या था आवेश एक समान था तो विभवांतर भिन्न था, यहाँ पर क्या है प्रत्येक संगायित्र पर विभवांतर एक समान है। लेकिन आवेश भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, आवेश एक समान है लेकिन विभवांतर क्या है भिन्न भिन्न होगा। अंतः अंतः क्या लिखेंगे, अंतः C1 संगायित्र पर आवेश, अंतः C1 संगायित्र पर आवेश, यानी C1 संगायित्र पर आवेश क्या होगा, वो क्या होगा Q1 बराबर C1 भी, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार C2 संगायित्र पर आवेश, C2 संगायित्र पर आवेश, इसी प्रकार C2 संगायित्र पर आवेश यानी Q2 C2 भी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार C3 संगायित्र पर आवेश यानी Q3 यानी C3 भी आ गया। कुल आवेश को Q से नोट करेंगे कैपिटल से, यानी Q1 Q2 Q3 तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे मान पुट कर देंगे सारों में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन का, तो C1 भी C2 भी C3 भी, तो Q V कॉमन लेंगे सब में C1 C2 C3, ये चार नंबर इक्वेशन आ गई। तो ये Q बराबर भी C1 प्लस C2 C3 क्या है फोर्थ नंबर इक्वेशन आ गई। तो माना संयोजन की तुलना आएगा CP तो कुल आवेश, जिस प्रकार हमने श्रेणी संयोजन में लिखा था, माना संयोजन की तुल्यधारिता CP है तो कुल आवेश माना संयोजन की तुल्यधारिता CP है तो कुल आवेश क्या होगा Q बराबर कुल आवेश को Q से नोट करेंगे तो तुल्यधारिता CP यानी V जो ये माना है ना Q का आवेश का वही सिचुएशन में क्या है पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 मतलब ये मान है ना आवेश का इक्वेशन 4 में क्या है पुट कर देंगे। तो ये मान यहाँ पे लिख दिया, देखो CP इंटू वी, वी C1 C2 प्लस C3 तो वी से वी कैंसिल आउट, CP बराबर क्या हो गया C1 C2 और C3, ये तुल्यधारिता निकल के आ गई CP बराबर C1 प्लस C2 C3। देखो सेकंड पार्ट हमने क्या था समांतर संयोजन या पार्श्व संयोजन में क्या होता है विभवांतर तो क्या एक समान होता है लेकिन आवेश क्या है भिन्न होता है, ठीक है। इसलिए
तुल्य धारिता निकाली थी समांतर संयोजन की, तो समांतर संयोजन की तुल्य धारिता ये निकल के आ गई सीपी बराबर सी वन प्लस सी टू सी थ्री। ठीक है, तो हमने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन किया, फिर इसकी तुल्य धारिता निकाली, फिर हमने क्या है समांतर संयोजन किया यानी क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, उसकी तुल्य धारिता निकाली सीपी बराबर सी वन प्लस सी टू सी थ्री। CS बराबर C1 C2 C1 प्लस C2 ये तो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता, अरे CP बराबर C1 प्लस C2 C3 ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, लास्ट में ये निकल के आए, समझ में आ गया कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सिंपल है, उनकी तुल्य धारिता निकालनी है। ये CP की तुल्य धारिता यानी क्या है पहले कॉम्बिनेशन की तुल जाएगा, ये सी एस यानी क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल जाएगा निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो इसी का आगे टॉपिक कल करवाएंगे। स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी।